जय हो जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय हो जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंद जय हो जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत आचार्य की चटाई गौर प्रेमानंदे भजन कर देते और इस स्थान का नाम है सिद्ध बकुल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त उनसे मिलने के लिए बंगाल से पुरी की तरफ आते हैं, पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं उसके बाद जब भक्त आते हैं, एक महीने ट्रैवलिंग करते थे, चार महीने रहते थे और फिर एक महीने वापस ट्रैवलिंग करके जाते थे। तो जब पहली बार भक्त लोग आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु सबसे मिलते हैं, सभी भक्तों से मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं और पूछ रहे हैं सबके बारे में। और वो पूछते हैं हरिदास ठाकुर किधर हैं, हरिदास ठाकुर आए? तो हरिदास ठाकुर भक्त लोग बताते हैं वो देखिए दूर देखिए वो हरिदास ठाकुर हैं, वो दूर से ही दंडवत कर दिए, लेट गए दूर से, वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए नहीं। वो सोचे मैं इतना तुच्छ हूँ, मैं इतना अनक्वालिफाइड हूँ कि मैं चैतन्य महाप्रभु के सामने जा नहीं सकता, तो बहुत दूर से उनको प्रणाम कर रहे थे, दूर से लेट कर बिल्कुल दंडवत कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी विनम्रता को देख के बहुत खुश होते हैं और उनको आलिंगन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। हरिदास ठाकुर की इच्छा थी, वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आप मुझे अपने चरणों में रखिए, अपने पास ही मुझे स्थान दीजिए। तो खुद चैतन्य महाप्रभु उनके लिए स्थान देखते हैं, पास में है ना गंभीरा के, और यहाँ उस समय तो उतनी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी। तो हरिदास ठाकुर क्योंकि यवन परिवार में जन्म लिए थे, वैसे तो वो महाभागवत हैं, परमहंस हैं, नामाचार्य हैं, और वो चाहते तो दर्शन कर सकते थे चैतन्य महाप्रभु उनको किस आसानी से करा सकते थे, पर वो उस नियम को तोड़ते नहीं हैं, वो अलग रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सिर्फ दर्शन चक्र को देख के करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब हम चक्र का दर्शन करते हैं सुदर्शन चक्र का, तो हम भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे नवद्वीप से पुरी की तरफ पहली बार, तो जब उन्होंने चक्र को देखा था तो चक्र को देख के भी भाव विभोर हो गए थे, गिर गए थे रास्ते में। तो चक्र को देख के जैसे देखेंगे वैष्णव लोग जब भगवान के मंदिर का श्री मंदिर का दर्शन करते हैं, चक्र को देख के भी प्रणाम करते हैं। चक्र को देखना भगवान के दर्शन के ही बराबर माना जाता। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को ये स्थान दिया था रुकने के लिए और यहाँ पर वो रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु का प्रतिदिन का नियम था, वो दर्शन करने के लिए जाते थे जगन्नाथ जी का, पहले समुद्र स्नान करते थे, फिर आते थे जगन्नाथ मंदिर, मंगल आरती देखते थे,
नरसिंह देव का दर्शन करते थे, फिर जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करते थे और प्रतिदिन प्रसाद लेके स्वयं आते थे हरिदास ठाकुर के लिए। कितनी बड़ी बात है, भगवान आपके लिए स्वयं प्रसाद लेके आ रहे हैं। तो जगन्नाथ जी स्वयं आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ हैं, वो स्वयं उनके लिए प्रसाद लेके आते थे, उनकी भक्ति से इतना प्रसन्न थे। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर बैठ के भजन करते थे, यहाँ बहुत धूप थी, धूप उस समय ये पेड़ नहीं था। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने जाते हैं भगवान का, तो भगवान को दातुन लगाते हैं ना, दातुन कराते हैं, तो जनरली नीम की दातुन लगाते हैं, वो दिन शायद बकुल की दातुन थी। तो चैतन्य महाप्रभु बकुल का दातुन लेके आते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं जमीन पर। जैसे वो लगाते हैं, पेड़ आ जाता है बड़ा, ये देखिए आपके सामने, और इस पेड़ का नाम होता है सिद्ध बकुल। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप इस पेड़ के नीचे बैठ के जप करिए, क्योंकि उस समय छोटी सी कुटी या ऐसे ही था, तो पेड़ को बना देते हैं, उसके पेड़ के नीचे बैठ के हरिदास ठाकुर यहाँ भजन करते थे, हरि नाम जप करते थे। 300,000 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है कि यहाँ हरिदास ठाकुर भजन करते थे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने मिला उनके सानिध्य में। वो अभी भी हैं यहाँ, जो महान भक्त हैं वो उनके स्थानों में रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं हमेशा राधा दामोदर मंदिर में हूँ, उपस्थित हूँ अभी भी। तो हरिदास ठाकुर यहाँ हैं, हम उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनके सामने बैठ के नाम कर सकते हैं। जब बहुत सारे और भी भक्त आते थे यहाँ पर, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, तो वो भी यहाँ पर रुकते थे, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते थे, वो भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद रूप सनातन, ये भी आके यहीं पर रुकते थे सनातन हरिदास ठाकुर के साथ आते। और हरिदास ठाकुर इतने महान हैं, जब उनकी तो अनेक लीलाएँ हैं, बहुत सारी लीलाएँ हैं, और आप फोटो में भी देख सकते हैं, सब दिखाए हैं अलग अलग। तो जब महाप्रकाश लीला हो रही थी नवदीप धाम में, तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों को बुला रहे हैं और अलग अलग आशीर्वाद दे रहे हैं। और कोई भक्त पूछता है कि मेरे माँ बाप भक्त नहीं है, उनको भक्त बना दीजिए, मेरा कृष्ण में मन नहीं लगता है, मेरा कृष्ण में मन लगा दीजिए, जैसे जैसे अलग आशीर्वाद मांग रहे थे सब। तो हरिदास ठाकुर का नंबर आता है, हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हरिदास जब आपको 22 जगह बाजारों में पीटा जा रहा था, तब मैं सुदर्शन चक्र लेके आ गया था उनको मारने के लिए जो आपको पीट रहे थे, परंतु आप प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान आप इनको दंड मत दीजिए, आप इनकी रक्षा करिए, इनको माफ़ कर दीजिए। तो आप पूरा सहन कर रहे थे उनका द्वारा किया गया अपमान अपराध, पर आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो एक महान वैष्णव का ये गुण होता है कि वो अपराध नहीं लेता अपने ऊपर, वो हमेशा दूसरों के भले के लिए प्रार्थना करता है। तो ये बहुत महान गुण है, ये आसान नहीं है, क्योंकि जब आप हम कष्ट में रहते हैं और जो हमें कष्ट दे रहा है, अगर हम उसके लिए प्रार्थना कर पाए कि हे भगवान आप उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको भगवान की भक्ति दीजिए, ये बहुत ही उच्च विचार है। हाँ, जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जीसस क्राइस्ट का, वो भी यही प्रार्थना कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसीलिए मेरा सुदर्शन चक्र उनको दंड नहीं दे पाया, क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।